हेलो दोस्तों, परफेक्ट एकेडमी के परिवार की तरफ से मैं हिमांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछली वीडियो में डिजिटल सम के बारे में डिस्कस किया था कि क्या होता है डिजिटल सम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिजिटल सम पर जो आधारित क्वेश्चन होते हैं उनको हम कैसे कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है कि कैलकुलेशन का अंत कैसे करें। आइए जानते हैं, ये विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं जिन्हें हम बिना कैलकुलेशन के डिजिटल सम से आसानी से कर सकते थे। जैसे क्वेश्चन आपका बोर्ड पर है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ ए की वैल्यू है आपका 102, तो आपको फाइंड द वैल्यू करनी थी ए, और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ऐसे ए ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3, ये लिखा हुआ है। तो इसको हम कैलकुलेशन पे 102 ना रख करके हम क्या काम करेंगे, जैसे हमारे पास ए की वैल्यू 102 है तो मैं इसका अगर डिजिटल सम करता हूं तो 2 1 + 0 + 2 कितना होता है आपका 3 हो जाएगा। अब मैं एक ही जगह पे 102 ना रख कर गए कितना रख रहा हूंगा, 3 रख रहा हूंगा। आइए रखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रखा 3, यहाँ पे हो गया 3 का स्क्वायर, यहाँ 3 × 3 और प्लस में मेरा कितना बचा, 3 बचा। अब मैंने कल आपको बताया था डिजिटल सम क्या होता है कि डिजिटल सम 9 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचता है उसी को हम डिजिटल सम बोल रहे होते हैं। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होता है तो इससे तो हमें कुछ नहीं मिला, 3 × 3 अगर आप करेंगे तो ये भी 9 हो जाएगा, और इसमें हम 3 की गुणा कर रहे होंगे 3 × 3 तो ये भी आपका 9 हो जाएगा। यानी कि सर इस वाले क्वेश्चन का डिजिटल सम क्या है, 0 है। तो ऐसा ही एक ऑप्शन होगा जिसका डिजिटल सम कितना होगा, 0 होगा, यानी कि कुछ भी हमें 9 से भाग करने पर नहीं मिल रहा होगा। तो ऑप्शनों को चेक कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे ऑप्शन लिखा हुआ है 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, यानी कि 9 बना, यानी कि इसका डिजिटल सम क्या है, 0 है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे वाले ऑप्शनों को भी चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और 1 2 3 4, तो इसका डिजिटल सम कितना है, 4 है। इसका कितना है, 2 और 1 3, इसका देखो 9 से 9 सारे कट जाएंगे तो इसका डिजिटल सम कितना है आपका, 2 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम बिना कैलकुलेशन किए, बिना ए की वैल्यू 102 रखे हुए हम इसको 10 सेकंड में कर सकते थे। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए दूंगा, कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। देखिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अब यहाँ पे दे रखा है 203 + 107 का स्क्वायर माइनस 203 - 107 का स्क्वायर, तो इसको कैसे करें, तो मैं लिख सकता हूं 3 और 2 5, इसको लिख सकता हूं 3 और 2 5, इसको लिख सकता हूं 7 और 1 8 का स्क्वायर माइनस 3 और 2 5, यहां पे है माइनस 7 और 1 8 का स्क्वायर। अगर मैं इसका करता हूं तो 8 और 5 13, और 13 को मैं लिख रहा हूंगा यहां पे 4 का स्क्वायर। ठीक है, 13 को मैं लिखूंगा 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं यहां पे माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है दोस्तों कि अगर 3 का स्क्वायर हम कर रहे हैं तो हमारा 9 आएगा, यानी कि इससे मुझे क्या मिलेगा, 0 डिजिटल सम मिलेगा। अगर मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं, 4 का स्क्वायर कर रहा हूं, तो 16 को मैं कितना लिख सकता हूं आपका, 1 और 6 7, यानी कि इस क्वेश्चन का जो मेरा डिजिटल सम है वो कितना मिला मुझे, 7 मिला। तो ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन है आपका यहाँ पे 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 8 29, 29 और 6 35, 35 को मैं लिख सकता हूँ 3 + 5 यानी कि 8, लेकिन मुझे चाहिए कितना, मुझे चाहिए आपका 7। अब इसको चेक कर लेते हैं, 8 और 6 14, 14 और 8 22, 22 और 8 30, 30 और 4 34, 34 को मैं लिख सकता हूं 3 और 4 7, तो 7 ही मुझे इस क्वेश्चन में चाहिए था, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे चेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 4 और 3 7, 7 4 11, 4 15 और 2 17, 17 को मैं लिख दूंगा 1 और 7 यानी कि 8। ठीक है, 8 और 7 15, 15 और 8 आपका हो जाएगा 23, 23 5 28, 4 32, 32 को मैं लिख दूंगा 3 और 2 5। देखिए, एक ही ऑप्शन का मुझे जो डिजिटल सम है वो कितना मिल रहा है दोस्तों, बी ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि एक ही क्वेश्चन का मेरा 7 मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जैसे ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं, डिजिटल सम का परसेंटेज में और पॉइंट वाले क्वेश्चंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब जैसे कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, अब आपको पता है अगर मैं इधर की कैलकुलेशन करता हूं तो 9 तो मेरा कट ही हो जाएगा। अब 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 6 25, यानी कि इधर मुझे ओवरऑल कितना चाहिए, 7 चाहिए। ठीक है, डिजिटल सम जो है मेरा बराबर में 7 आना चाहिए। इधर का चेक कर लेते हैं, जैसे मैंने यहां से 9 को कट कर दिया, ठीक है, यहां पर मेरा कितना बचा, 7 बचा। इधर गुणा में है, यहाँ 3 और 3 6, 6 और 2 8, इसको मैं 8 लिख दूंगा। इधर प्लस, यहाँ पे x है और गुणा,
चार तीन सात, सात और एक आठ, मैं इसको आठ लिख देता हूँ। यहाँ पे हो गया आठ सत्ते छप्पन, और छप्पन को मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, छह और पांच ग्यारह, यानी कि दो, दो प्लस एक्स गुणा आठ। अब मेरे पास है कि मैं एक्स की यहाँ पे क्या, कौन सी वैल्यू से मैं मल्टीप्लाई करूं जो मेरा सारा डिजिटल सम जो है वो मेरा सात आ जाए। तो देखिए आइए ऑप्शनों की तरफ चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखो आठ और एक नौ, यानी कि इसका डिजिटल सम कितना है सात, जहां नौ बन जाएगा उसको हम काट रहे होंगे। यहाँ पे आठ और एक नौ है तो यहाँ भी मेरा कितना बनेगा छह, आठ और एक नौ है यहाँ भी मेरा कितना बनेगा पांच, आठ और एक नौ है यहाँ पे मेरा कितना बनेगा चार बनेगा। अब अगर मैं इसमें चार की गुणा करता हूं, आठ चौक बत्तीस, तो बत्तीस मेरा कितना हो जाएगा पांच, पांच और दो कितना हो जाएगा मेरा सात हो जाएगा। यानी कि एक्स की जगह पे जो मुझे गुणा करनी थी वो कितने की करनी थी, 18.4 की करनी थी। अब अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह पे पांच की गुणा करता हूं तो आठ पंजे चालीस और दो बयालीस, बयालीस को मैं लिखता हूँ छह, लेकिन मुझे कितना चाहिए सात चाहिए। यहाँ पे छह की अगर मैं गुणा कर रहा हूं तो आठ छिंग अड़तालीस, अड़तालीस और दो कितना हो जाएगा पचास, तो पांच डिजिटल सम हमारा बन रहा होता, लेकिन मुझे कितना चाहिए सात चाहिए। तो आपका ऐसे केस में आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बिना एक्स माने, बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए हम इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेते अगर आपको डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट पता होता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब ये लिखा हुआ है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आपसे पूछा हुआ है कि 40% ऑफ एक्स, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में देंगे। ठीक है, इसका आंसर भी कमेंट में देंगे। इससे पिछला जो क्वेश्चन है ये मैंने बताया है कि एक्स वाले को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर आपके लिए, ये क्वेश्चन आप कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अब यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि एक्स की वैल्यू दो, और दो को आप यहाँ पे रखवा रहा है, तो दो को अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूं तो दो का क्यूब, यहां अगर रख रहा हूं सत्ताईस के साथ में, सो सत्ताईस की मल्टीप्लाई दो का स्क्वायर, यहां अगर रख रहा हूं मैं तो 243 गुणा हो जाएगा मेरा दो, और यहां अगर रख रहा हूं तो मेरा हो जाएगा 631। अब देखिए दोस्तों, 9 की गुणा अगर हम किसी में भी कर रहे हैं और उसका जो प्रोडक्ट आता है, जैसे 9 गुणा 1 करते हैं तो 9 आ रहा है, 9 गुणा 2 करते हैं तो हमारा कितना आ रहा है 18 आ रहा है, 8 और 1 9 तो ये भी कट जाएगा, 9 गुणा 3 करते हैं तो 27 आ रहा है, 7 और 2 9 ये भी कट जाएगा, 9 गुणा 4 करते हैं तो 36 होता है, 6 और 3 9, 9 गुणा 5 करते हैं तो 45 होता है। यानी कि 9 के पहाड़े में या 9 से अगर हम किसी भी संख्या की गुणा करते हैं तो उसके अंकों का जो योग होता है वो 9 से कट रहा होता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कह सकता हूँ कि जैसे यहाँ पे 7 और 2 9 है, अगर 7 और 2 9 की इसमें मैं गुणा करूंगा तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, जीरो डिजिट सम मिलेगा। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूं तो यहाँ से मुझे 8 मिला। यहाँ पे 4 3 7 और 2 9, 9 की गुणा अगर मैं 2 में करूंगा तो यहाँ भी मुझे 0 मिल रहा होगा, और यहाँ पे हो गया 6 और 3 9, तो यहाँ से मुझे कितना मिला, एक डिजिट सम मिला। तो मेरे पास में हो गया 8 और 1 9, 9 का मतलब है कि मेरे पास में कितना डिजिट सम है। आप कहेंगे कि सर जीरो डिजिट सम है आपके पास, इस क्वेश्चन में क्या है जीरो। अब ऑप्शनों को चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा जीरो डिजिट सम बना रहा है। अब देखिए 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, यानी कि 9 का मतलब क्या है, ये जीरो डिजिट सम बना रहा है। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं, 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 1 5, ये 5 बना रहा है। ये वाला ऑप्शन 2 और 1 3 और 3 6, 6 और 1 7 बना रहा है, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6, ये 6 बना रहा है। तो जीरो डिजिट सम मेरा एक ही क्वेश्चन में था, वो ऑप्शन है मेरा ए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये दो क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट में दिए हैं। ठीक है, दो क्वेश्चनों का आंसर कमेंट में दें और बताएं कि आपको ये तरीका जानकर कैसा लगा। ठीक है, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, और आप कमेंट में बताएं किस टॉपिक को हमें कंटिन्यू रखना है, क्वेश्चंस इस पे जो सीआई पे बेस्ड होते हैं उन क्वेश्चंस को कराना है, सीआई पे बेस्ड भी क्वेश्चन को चाहते हैं डिजिट सम से जिन्हें हम कर सकते हैं। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो अगली वीडियो में हम सीआई पे बेस्ड क्वेश्चन ही करा रहे होंगे। धन्यवाद।